पाकिस्तान। जिंदगी में हर चीज करना मेरे दोस्त, पर एक चीज ना करना, और वो है माइंड ना करना। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ईयर, अ ब्रांड न्यू चैनल एंड अ ब्रांड न्यू शो विद अ ब्रांड न्यू बट जी, वैसे यही तो हमारा मसला है। जो बात माइंड करने वाली होती है उसमें हम चिल करते हैं, और जो चिल करने वाली होती है उसमें हम माइंड कर लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, वाकई ठीक कह रही है महरीन भाट साहब। सब तो ज्यादा मसला उदो होता है जो लाड़ा बेचारा सेहरा बन के रिश्तेदारों मना रहा होता। हाँ, आपका तो सुना था, आप सेहरा कदमों में रख के लोगों को मनाते थे और लड़की वालों को भी। हाँ जी, लड़की वाले मैं मनाया सी, प्यो कहता सी हले कुड़ी नहीं ब्याहनी, हले शो च काम कर रही। आज हमारी पहली एपिसोड है माइंड ना करना की, और पहली एपिसोड के लिए हम लोग एक ऐसी धमाकेदार टीम को लेके आए हैं कि आप लोग करेंगे वाह वाह वाह। पाकिस्तान की फिल्म लगने जा रही है, वो एक आम फिल्म नहीं है। इट इज अ फिल्म दैट डिफाइंस वेमेन एम्पावरमेंट, इट इज अ फिल्म दैट डिफाइंस ड्रीम्स, इट इज अ फिल्म दैट डिफाइंस कि आप जो सोचे वो कर सकते हैं। और इस पूरी फिल्म के पीछे एक डायनेमिक टीम है, उस टीम का थोड़ा सा एक हिस्सा आज हमारे साथ मौजूद है। ख्वातीन और हजरात, वाकई द टीम नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बिकॉज फिल्म ही इतनी बम्बास्टिक है कि आज आपके सामने उनकी कास्ट आके अपनी फिल्म नायाब के बारे में बताएंगे। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली युम्ना ज़ैदी, उसामा खान एंड मोहम्मद फवाद खान। Yumna is in the house and thank you so much for taking thank time out. Thank you so this much. Is your first film, pehli film? Yes, this is my first feature film. First feature film. To isme kya aisi nayab baat hai? Is puri film hi nayab hai. Bas mera script pe jo hai na, dil, dimag, soul sab aa gaya tha. Nayab baat to ye hai ki isme Yumna Zaidi hai. How nice. Kya baat hai. Aur aapke sath Usama baithe hue hain jo ki sir television mein you need no introduction. Jitna aapne kaam kiya hai. और दिस इज ऑल्सो योर फर्स्ट फीचर फिल्म, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस यस। और ये फिल्म आपने स्क्रिप्ट देख के साइन की या यमुना देख के? अच्छा, दोनों चीजें देख के। टॉपिक बहुत अच्छा। देखिए सच्ची बात है, मुझे भी अगर कोई कहे कि जी यमुना के साथ फिल्म है, मैं बाद में कहूंगा कि स्क्रिप्ट है, मैं तो पहले कहूंगा आप अपनी बात कर रहे हैं। बट जी, मुझे कोई पूछे कि यमुना जी के साथ फिल्म करनी, ना मैं स्क्रिप्ट देखूं ना पैसे देखूं, फौरी कहूं कबूल है कबूल है कबूल है। खुशकिस्मती तो ये है कि इनसे किसी ने पूछा ही नहीं। बिल्कुल जी, इसीलिए नहीं पूछा। एंड ऑफ कोर्स उनके साथ हमारे फवाद खान साहब, मोहम्मद फवाद खान साहब, जो एक बड़ा मजेदार कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यमुना के भाई का कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहे हैं, और इस कैरेक्टर का नाम भी बड़ा अक्का। अकबर नाम है उसकी बहन, उसको अक्का कहते हैं। एक लड़की है जो कि क्रिकेटर बनना चाहती है और उसके घर वाले उसके खिलाफ हैं। जाहिर बात है, हम लोग अपनी गर्ल्स को बड़ा डिस्करेज करते हैं। क्या चीज अपील की थी कि यार हाँ ये फिल्म मैंने जरूर करनी है? मैं अगर अपनी जिंदगी देखूं तो मेरी लाइफ की डिक्शनरी में ना इम्पॉसिबल का वर्ड जो है ना वो साइड पे है। ये मिसप्रिंट हुआ वर्ड? ये मिसप्रिंट है, मिसिंग लेटर्स हैं। इम्पॉसिबल इम जो है ना वो मिसिंग है, पॉसिबल इज देयर। सो मुझे नायाब को देख करके लगा कि वो भी ऐसा ही सोचती है कि फॉर हर इम्पॉसिबल इज नथिंग। सो इस वजह से मैंने इसको ऑप्ट किया और मैंने कहा कि नायाब करनी चाहिए। वाह वाह, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता वैसे तो। लेकिन टूथपेस्ट को वापस ट्यूब में डालना तो इम्पॉसिबल है ना, वो भी डर जाता है। हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं यमुना जी, उसामा जी, आपकी फिल्म अच्छी जाए, भावे पाकिस्तान च बल्ले ते पाबंदी है, तुहाडी क्रिकेट वाली फिल्म अच्छी जाए। उसामा साहब, मैं आपको फॉलो करूं ये पिछले 15-20 दिन से जो आप लोगों ने आग लगाई हुई, यमुना से ज्यादा आपकी स्टाइलिंग की बातें हो रही हैं। क्या आपके चर्चे फैले हुए हैं कि सर आज कौन से स्नीकर्स पहने हुए हैं, आज कौन सी आपने लुक रखी हुई है? ये सारी जो कसर थी फिल्म में तो आपने नहीं की, क्योंकि फिल्म में तो आपका एक जैन का कैरेक्टर जो है बड़ा बीबा सा लड़का, बीबा सा लड़का कह रहे हैं, तो ये खराब आप बाद में हुए हैं। अगर आपने वही कपड़े पहने जो आप ड्रामा में नजर आते हैं तो फिर तो पता ही कैसे चलेगा कि मूवी की प्रमोशन कर रहे हैं। ये ना लगे कि हम ड्रामे की प्रमोशन कर रहे हैं, पता लगे कि मूवी की प्रमोशन। ये जी, ये बेशक। तो यमुना जलस हो रही है?
नहीं मैं एंजॉय कर रही होती हूं। इन्होंने मुझे कल कहा तुम तैयार नहीं हुए। उसामा एक दिन बिल्कुल ही रेगुलर से कपड़े, बिल्कुल ही नॉर्मल से ना, जैसे आम मीटिंग्स में हम देखते थे। मैंने कहा उसामा अभी तैयार होना है, तो उसामा ने कहा नहीं 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 वो आज। मैंने कहा क्यों? कहता यमुना हम ना फैसलाबाद जा रहे हैं तो पब्लिक में कोई भी कुछ भी कह सकता है। आपको क्या फैसलाबाद से डर? फैसलाबाद झुकते होती है ना, तो मैंने कहा यार पब्लिक में मार देगा तो मैं क्या करूंगा। वाकई फैसलाबाद में बड़ी झुकते होती है। जैसा ड्रेस अभी पहना हुआ है उसामा भाई ने, ये लैलपुरी को देख रहा था। उन्होंने शुरू ही थोड़ा बीरे जिथो जिथो कपड़ा बद गया उन्होंने फैशन कर दिया। अच्छा भाई फैशन की जब बात करें, एक छोटा सा सरप्राइज है हमने उसामा साहब के लिए रखा हुआ है। ये कुछ चीजें हैं हम लोग देखेंगे और पूछना चाहेंगे ये क्या सोच रहे थे, ठीक है? अगर आप माइंड ना करें। जी प्लीज सर। ये लाहौर की सर्दी में ये केले को ट्रिब्यूट जो आपने दिया है और इतना प्यारा दिया है, और यमुना आपने इतना खूबसूरत, मेरे ख्याल है ओल्ड हमारी हीरोइंस को आपने ओमाज दिया है। इसकी हिस्ट्री है पूरी। जी जी बताइए जरा। ये बातें की साड़ी है जो कि मेरी नानी की है। अरे क्या बात। So, इसको रिक्रिएट किया है मेरी बहन के ब्रांड ने। सो वो फिर मैंने पहना। क्या बात। और ये जो आपने ट्रैक सूट अपने दादा का पहना है। You love bright colors. हाँ, मैं पहले भी बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स पहनता था, बीच मैंने रोक दिए थे क्योंकि मुझे लगा ड्रामे हम कर लें, लेकिन अब मौका मिला तो क्यों नहीं। अच्छी बात है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। जब सामान्य चश्मा उतारा तो सामग को रियलाइज हुआ कि धूप नहीं है। हाँ ये चश्मा मैंने पहना हुआ तो मैंने कहा यार कितनी धूप हो रही है। बाद में जब मैंने उतारा तो मैंने कहा यार धूप ही नहीं है। ये वाला सूट तो ज्यादा अच्छा लगता है स्मोग में बंदा पहने तो। स्मोग में? हाँ, पीली लाइट से दूरों नजर आ जाता है। अच्छा जी अगली तस्वीर जरा देखते हैं। भाई सख्त लौंडा। देखिए जी गुजरांवाला को होके ये वाला पोज मारना, या तो आप सलमान खान के फैन हैं या आपने टीके लगवाए, ये दो चीजें आपने की हुई है। तो ये इस तस्वीर में क्या सोच रहे थे? सन किस हो रही है? बड़े अरसे बाद जिम जाना शुरू हुआ तो मैंने कहा यार रोजाना अपनी पिक्चर्स लगाओ ताकि बंदा मोटिवेट हो। वरना आप पिक्चर्स नहीं लेते ना तो आपको पता ही नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है भाई जान। देखें सीखें जिम जाना सीखें कुछ आप सीखें भाई। मैं तो जेलस हो रहा हूँ। मेरे एडे डोले बढ़ने नहीं आए, सड़ी जमा वेखदा ही नहीं। और ये हमारी एक और नन्नी मुनी सी एक तस्वीर है सर। ये देखिए आपकी जुराबे वैसे कहाँ गुम हो गई थी, इसमें छोटी है ना नजर नहीं आती। अच्छा, यार ये फैशन है भाई जान, आपने देखा नहीं आजकल होस्ट टाई लगा के नीचे जोकर पहन लेते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उमेर साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जी। हाउ हेल्पफुल वाज द डायरेक्टर? वो बिल्कुल ही नए डायरेक्टर थे। बहुत टाइम पहले इनके साथ एक कमर्शियल किया था मैंने। मुझे स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा क्लिक किया, फिर मेरी आदत है मशवरा लेने की। अहमद अली अकबर उसने बोला कि यमुना यू शुड डू दिस फिल्म। और एक अपने हमारे मुझे जो मैनेज करते हैं नुमान, उन्होंने मुझे कहा कि गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड नैरेटिव। जब स्क्रिप्ट आई थी तो और लिखी भी अली अब्बास और बासित ने है, तो आपने कोई चीज इसमें चेंज करवाई कि अच्छा इसको थोड़ा सा ये कर दें, या जो लिखा था वही हुआ? कोई एक लफ्ज चेंज करने का दिल नहीं चाहा। मैंने लाइव नरेशन 2.5 घंटे की नरेशन सुनी। जब स्क्रिप्ट एक लड़की के ऊपर बेस्ड होती है और आपको पता होता है कि यार अच्छा इसके अंदर मेरा वो मार्जिन नहीं है जो नॉर्मली एक मेल डोमिनेटिंग स्क्रिप्ट के ऊपर होता है, लेकिन उसके बावजूद यू ऑप्टेड फॉर द फिल्म कि मैंने ये करनी है, सो आपके लिए ड्राइविंग फैक्टर क्या था? पहले मैं बहुत डरा हुआ था, मैं नहीं करना चाह रहा था कोई मूवी। हाँ, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट सुना तो मुझे अच्छा लगा, इसका टॉपिक बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। आई शुड डू इट। नहीं तो आपने कहा कि मैं पहले डरा हुआ था, ये फिल्म रिलीज होनी थी, कौन सा लीक होनी थी? मोहम्मद फवाद खान साहब, इस फिल्म के अंदर आपका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, एक भाई का कैरेक्टर जो कि अपनी बहन को एट एनी कॉस्ट सपोर्ट कर रहा है। हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, बहुत कम होता है कि बाकी लड़कियों को उस लेवल पे सपोर्ट किया जाए कि हाँ भाई आई विल बी देयर, जो तुमने करना है मैं हूँ पीछे। वाह, क्या लगता है कि हमारी नेशन के लिए अभी ये फिल्म क्या मीनिंग उनको देगी? अच्छी बातें कहना भी बड़ा आसान होता है कि अच्छा रहना चाहिए, अच्छे भाई को अच्छा सपोर्ट करना चाहिए वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म में कहानी भी है और कहानी अपने आप में एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग, और बहुत सारा कुछ जो कहानी करती है वो किसी भी मैसेज से बेहतर बढ़ के होता है। वाह वाह,
और मुझे लगता है कि इस फिल्म में वो है. मुझे इस बात की उम्मीद है कि वो जिस किस्म का भी असर हमारे ऊपर छोड़ा है शायद लोगों पर भी छोड़े. आपकी सपोर्टिंग कास्ट क्या बात है, जावेद शेख साहब हैं इस फिल्म में और उसके बाद एहतशामुद्दीन साहब हैं, क्या बात. और बड़ा उनका नेगेटिव यार एहतशाम भाई जहां आते हैं, मैं कहती हूं आउटस्टैंडिंग एक्टर, बहुत बेहतरीन. जावेद सर भी, एहतशाम सर भी एंड अदनान सिद्दीकी भी. नहीं वो खैर भाई देखिए अभी अदनान सिद्दीकी की तरफ हम आ रहे थे, लेकिन मैं पहले जावेद शेख साहब के साथ आपके मतलब काफी सीन्स हैं एंड ही इज प्लेइंग योर फादर, आप दोनों के. मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी मैंने काम किया है मैंने उनसे ज्यादा प्रोफेशनल इंसान नहीं देखा, और इतने सपोर्टिव, इतने प्यार करने वाले, मतलब आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद देम. जावेद सर इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट प्रोफेशनल एंड सो हेल्पफुल एक्टर. जो हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनके साथ, मैंने उनके साथ फिल्म शेयर की और वो अब्बा बनते हैं, बने बॉलीवुड में भी बहुत से एक्टर्स के और हमारे वो वाकई ही बाप हैं सब के. सब फिल्मों के बाप हैं. इस फिल्म में एक और अप एंड कमिंग एक्टर हैं अदनान सिद्दीकी साहब. आई थिंक वो रमीज राजा से इंस्पायर्ड कैरेक्टर लग रहा है मुझे. काइंड ऑफ कह सकते हैं, कह सकते हैं. टोन शोन भी वही रखी है, बाल चाल लेकिन भाई पर्सनालिटी भी वही है. क्या जो रेडियो के आते थे. बट ही इज what a delightful soul. What a delightful soul. What a great person to work with. What an entertaining human being. Honestly. So, मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन था, बल्कि मेरा ही इंटरेक्शन था एहतशाम सर के साथ भी और अदनान सिद्दीकी के साथ भी. आउटस्टैंडिंग. आपका बॉलिंग एक्शन इसमें लेफ्ट हैंड था. जी ऐसे ही है. और आपका बैटिंग स्टांस इसमें राइट रखा गया. ऐसा ही है. ये बड़ा ऑड होता है यार. है ना, ऑड होता है. ये खुद मैंने भी तभी एक्सप्लोर किया कि अच्छा ये हाथ जो पड़ रहा है बैटिंग पे वो सीधा हाथ है और बॉलिंग लेफ्ट से हो रही है. हाँ ये कैसा मतलब. वैसे तो मैं लेफ्टी हूँ. हाँ और ज्यादा आम सारे जो हैं जैसे कांटा चमचा पकड़ा हुआ हो तो तब राइट चलता है. हाँ. अगर खाली चमचा पकड़ा हो तो फिर राइट नहीं चलता. और अगर किसी को चपेड़ मारनी हो तो कौन सा चलता. दोनों चलते हैं. भाई जान कहीं ना जाएंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं. माइंड ना करना, विल बी राइट बैक. Welcome back from the break. आप देख रहे हैं माइंड ना करना with these beautiful people. और हमारा अगला सेगमेंट जो है जिसका नाम है माइंड द झूठ. इसके अंदर हम सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, आपने पकड़ना है और ऑडियंस ने वोट करना है. तो शुरुआत मैं करूं. बिस्मिल्लाह. चलो जी मैं करता हूं. बहुत अच्छे भाई झूठ बोल रहे हैं आप, चाहे शुरुआत कर रहे हैं. एक दफा मुझे प्रमोशन के लिए ऑफर किया गया अहमद भट्ट जो फिल्म स्टार है वो समझ के और मैं रेडी भी हो गया था प्रमोशंस के जाने के लिए. सच ल सदा ही कहता सच. किसकी चीज की प्रमोशन थी. मेरे ख्याल पाउडर दे डब्बे दी. मुझे फोन आया, उन्होंने कहा जी अहमद भट्ट बोल रहे हैं. मैंने कहा हाँ जी अहमद भट्ट बोल रहा हूँ. उन्होंने कहा कि जी हमारे कॉलेज के अंदर ये प्रमोशन है तो हम चाहते हैं आप हमारे चीफ गेस्ट बने. तो हफ्ते बाद गाड़ी मुझे पिक करने आई. तो जब वो पिक करने आई तो उन्होंने कहा कि जी अहमद भट्ट को बुला दे. मैं बाहर खड़ा था तो मुझे एकदम, तो उन दिनों ना फिल्म आई हुई थी सिलाखें अहमद भट्ट साहब की. तो उन्होंने, मैंने कहा क्या मतलब. तो मुझे एकदम वो हिट हुआ अहमद भट्ट और अहमद अली भट्ट. तो मैं अंदर गया और मैंने कुंडी लगा दी. मैं कहा अच्छा मैं बुलाता हूँ उनको. और मैं बाहर नहीं आया. यार जो आपकी आंखों में दर्द है ना, लगता सच्ची बोल. नहीं आई थिंक झूठी बोल रहे हैं. नहीं ऐसा मेरे साथ भी हो जाता वैसे. अच्छा हैं क्या आपको लोग हुमायूं सही समझते हैं. उसामा ताहिर. ओ हाँ उसामा ताहिर. अहमद अली अकबर के साथ भी ये बड़ा होता है. अब देखते हैं फवाद खान. फवाद खान के साथ तो हुआ है. बहुत हुआ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है अहमद आपके साथ ये नहीं हुआ होगा. क्यों. आपकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं. अच्छा जिसने आपको अहमद भट्ट समझा था उसको बॉडी में और बैली में कोई फर्क नजर नहीं आया. भाई कॉल पे थे, उन्होंने कॉल पे किया था. यार ऐसे आपकी आवाज पहचानी तो जाती है फौरन ही. आपका पहला सलाम इतना लंबा होता है. अस्सलाम वालेकुम. आपकी आवाज पहचानी जाती है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सच बोल रहे हैं. अच्छा भट्ट जी जिन्होंने आपको अहमद भट्ट कहा था, इतराज आपको तो करना नहीं चाहिए, वो तो हमारा अरशद को करना चाहिए. अच्छा जी अब आप अपना फाइनल बताएंगे क्या. मैं तो झूठ है 100%. यार मेरे साथ ऐसे हो जाता है. मुझे लगता सच. भट्ट जी का जितना नूरानी चेहरा है ना यकीनन झूठ है. अच्छा भाई आप में से जो कह रहे हैं सच है हाथ खड़ा करें.
इमेज कुछ अच्छा नहीं है, सियाने लोग हैं और जो कह रहा है झूठ बोल रहा हूँ हाथ खड़ा करे। ओए ओए बहुत आला, तो ये सच है। तो भाईजान आप तो फेल हो गए। जी भाईजान अगली बार। मेरी बारी है। जी सर, मैंने नवी जवाब में स्कूल से भागा था मैं और पकड़ा भी गया था और बस नौवीं जमात में आप जिस स्पीड से आपने बताया ना स्कूल से भागा था, स्कूल से भागे थे और पकड़ा भी गया था। अच्छा, किसने पकड़ा था? दोस्त की अम्मी ने। दोस्त की अम्मी ने क्यों पकड़ा? आपकी अम्मी ने क्यों नहीं पकड़ा? हम दोस्त के साथ भागे थे। हम गए थे हाँ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए, टेस्ट मैच। कहाँ? बदला सीरीज। ये तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था मैच। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, आप ऑस्ट्रेलिया से भागे? टीवी पे देखने गए। हम गए थे दोस्त के घर पे देखने के लिए। ओ अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। टेस्ट मैच कौन देखने जाता? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं, बोल रहे। एक मिनट। टेस्ट मैच आप दोस्त के घर देखने गए स्कूल से फुट्टा मार के? हाँ, क्योंकि उसने कहा था कि उसकी अम्मी गई हुई और अम्मी थी वहाँ। अम्मी आ गई। अम्मी का नाम क्या था? अम्मी का नाम नहीं याद मुझे। अच्छा, सच बोल रहे हैं मुझे लगता है। मैच किस पे आ रहा था? गर्मियों की छुट्टियां थी? नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है आप सच बोल रहे हैं ना, थोड़ी सी फैक्ट्स आप हमें डिविएट करने की। मुझे भी लग रहा है कि सच बोल, जो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं हाथ खड़ा करें। झूठ बोल, डिवाइडेड हो गए सीन, डिवाइडेड। जो कह रहे झूठ हाथ खड़ा करे। ओए भाईजान, मैं तो कह सच्चा बोल रहे, ठीक है ना? मैं भी कह रही हूँ सच बोल रहे। मेजॉरिटी कह रही है आप झूठ बोल रहे। मैं भी कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे। तो उसामा भी कह रहे हैं झूठ बोल रहे। नहीं, सच है। सच है। अच्छा, अदाकार होता है ना, जब वो प्रिटेंड करता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जिसने कहा हाँ मैं नौवीं जमात में भाग गया था, यू कैजुअली ओ ये तो मैंने अभी सोचा है, उन्होंने जिस तरह किया ना बिल्कुल सच बोल रहे थे। सच बोल रहे थे ना। भाईजान मेरी बारी। जी, मैं 2016 में कराची जा रहा था लाहौर से, और रास्ते में मैं रुका हैदराबाद पे से, और मैं उतरा, मैंने सोचा कुछ चाय वगैरह पी लूँ, लेकिन फिर मैं वॉशरूम में चला गया और ट्रेन निकल गई। लाहौर से कराची जा रहे थे, हैदराबाद पे रुके और आपने ट्रेन मिस कर दी क्योंकि आप वॉशरूम में चले गए? वॉशरूम में नहीं, मैंने खाना खाया और वहाँ 15-20 मिनट के लिए रुकती है ट्रेन। ये कितने साल पहले की बात है? 2016। कराची क्यों जा रहे थे? अपनी खाला से मिलने के लिए। खाला का नाम? नुसरत। नहीं, नुसरत फतेह अली खान। कैसे हो सकता? खाला खालू नहीं। ओके ओके। अच्छा, टिकट कितने की थी? क्या टिकट? 1800 रुपए की। 1800 रुपए की? झूठ बोल रहे हैं, पूरा मुंह लाल हो गया। इकॉनमी और सस्ता होता था यार 2016। नहीं नहीं, 5000 रुपए का था उसका बिजनेस का। खाना खाने में इतना टाइम क्यों लग गया? बताया तो है, मैंने कुछ खाया, चाय पी, वही तो अकेले तो बंदा जल्दी जल्दी खा लेता है ना, कोई बात करने वाला होता है। वॉशरूम गया ना कि उसके वॉशरूम गंदे थे। मैं अपना वोट कास्ट करने लगा, मेरे ख्याल है ये सरासर झूठ है। मुझे भी लगता है कि ये कोरा सफेद झूठ है। एक मिनट, मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरे ख्याल है सच बोल रहा है। मुझे एकदम कोई अंदर से फीलिंग हुई है सच बोल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ पार्टली झूठ है, बाकी सब यार नहीं है। नहीं, अगर पार्टली अगर वो मिक्स भी कर दिए तो ऑटोमेटिकली झूठ हो गया। खाला किस से मिलने जा रहे थे? तो खाला से अकेले क्या मिलने जाने का? मेरा कजन वहाँ रहता था, वो पढ़ता था कला। तो फिर ये क्यों नहीं कहा कि कजन से मिलने जा रहे? क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी में रहता, तुम खाला की तरफ से ना है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, रहता था, मैं खाला की तरफ रहता था। क्या बोंगियां मार रहा है कि कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है? वो मुझे पूछे किससे मिलने जा रहे थे, मिलने में उससे जा रहा था लेकिन रहता तो खाला की तरफ था मैं। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? PNEC। मैं समझ गया हूं भट्टी, ये खाला की बेटे को मिलने जा रहे थे। नहीं नहीं, पता है वो तलहा का। यार जितनी कंफ्यूजन हो रही है ना, ये सच होगा। वक्त क्या था उस वक्त? चलो, सुबह के 4 बज गए थे। सुबह के 4 बज रहे थे? सुबह के 4 बजे ट्रेन से उतरे क्यों तुसी पागल? अच्छा जी, वोट कास्ट। झूठ 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 झूठ। मैं कह रहा हूं कि आप सच बोल रहे। झूठ मेरे, मैं सच कह रहा हूं। पूछे क्यों? क्यों गुजरांवाले दे बंदे नु 4 बजे भूख लग जांदी है सच। दो सच के आगे कौन कह रहा है सच, हाथ खड़ा करे। बहुत से लोग ये सब लड़के, सब लड़के। और कौन कह रहे झूठ? तो जी मेजॉरिटी सच कह रही है। भाईजान आप दोनों झूठ कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। झूठ झूठ है।
और अब देखते हैं कि आप सच बोलेंगी या झूठ। मैं आ रही थी सच है मैं बैंकॉक से जब आ रही थी तो मेरा फोन जो है, हमारे लाहौर लैंडिंग थी तो मेरा फोन जो है जहाज में रह गया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अपसेट हुई और मैंने स्टाफ से काफ़ी लड़ाई की, लेकिन मोबाइल मिल गया मुझे। सो या कितनी पुरानी बात है? 2022 के आखिर की। 2022 के आखिर में टच मोबाइल आ चुके थे। सच है झूठ है? झूठ है। ये बिजनेस क्लास में होंगी आप? जी जी जी। मोबाइल आपका आईफोन होगा? बिल्कुल ऐसे था। ठीक है, जैकेट कौन सी थी उसके ऊपर? ब्लैक थी। जब आप लैंड हुई और बिजनेस क्लास में फोन आपका रह गया, तो झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा कि मेरा फोन मुझे लेना है, वापस जाना है, तो उन्होंने कहा कि कहाँ याद आया आपको कि ओहो मेरा फोन तो रह गया? इमिग्रेशन पे या लगेज लेते वक्त? मैं सीढ़ियां जब उतर रही थी तब मुझे याद आया। मैंने उन्हें कहा यार मुझे जाने दो, ये सीढ़ियां तो हैं, और सबसे पहले मैं पहली सीट थी मेरी बिजनेस क्लास में। सो मैं, उन्होंने कहा नहीं अब आप ऊपर नहीं जा सकते। पहली सीट थी, आप पहुंची भी पहले ही होंगी सबसे। ऐसे ही है। फ्लाइट कौन सी थी? फ्लाइट मतलब इंटरनेशनल थी या? हाँ, बैंकॉक से तो थाई फ्लाइट थी ना। वो फिर नहीं लाहौर, क्योंकि अच्छा कितने बजे लैंड की थी आप? मैं की थी लैंड, ये याद नहीं आ रहा, एक मिनट। नहीं, रात के कुछ 12:30 टाइप थे। नहीं इतने बजे फ्लाइट ही नहीं आती लाहौर में। अच्छा नहीं हो सकता, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए भाई ये इसको ना कंसिडर करें। नहीं देखें, बैंकॉक से जो फ्लाई करती है ना फ्लाइट, क्योंकि भाई तो बड़ा जाता है बैंकॉक और वो 4 बजे पाकिस्तान के, मतलब सुबह 6 बजे उनके लैंड करती है। यहाँ पे लैंड किया था लाहौर में? नहीं नहीं, मैं जाने की बता रहा हूँ। तो ये जो रात 12 बजे की बता रही हूँ, तो फ्लाइट का टाइम वो गलत है ना, तो आप मुझे बता दें, मुझे याद आ जाएगा। मेरे ख्याल है रात के 9-10 बजे ऐसे ही था, क्योंकि 2 घंटे प्रेप में लगते हैं। अच्छा जी, वोट कास्ट करें, कौन कह रहे हैं ये सच बोल रही है, हाथ खड़ा करें। ओए ओए ओए, ये पक्के ये दीवाने हैं, ये दीवाने हैं। यमुना आप जो कहेंगी जो कहेंगी सच कहेंगी। कौन झूठ कह रहा है? जी भाई जान बताइए। जितने पक्के एक्सप्रेशन से उन्होंने बताया ना, 100% झूठ है। पाकिस्तान का सबसे मशहूर फेमस फेस, और अगर वो यूं रिक्वेस्ट करे कि जी मेरा फोन रह गया, तो अगला कहेगा जी आइए। मतलब यमुना को कोई रोके, और वो भी बिजनेस क्लास में, मेरा ख्याल है ये झूठ है। लड़ने की जरूरत पड़ जाए। हाँ। यानी कि आप तीनों तो कह रहे हैं झूठ है, और ये दोनों भी कह रहे हैं झूठ है। 100% सच है। ये 100% सच है। आप लोगों को क्यों लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ? एक्सप्रेशन से? एक्सप्रेशन से। तो एक्ट्रेस भी तो हूँ ना। हाय। लेकिन हमें ये नहीं पता था ना कि आप उसको बताएंगी ऐसे, हमें लगा मुझे कि आप यही तो ट्रिक थी, बट ये कि वाज अ फन गेम यार। वाह की वाह, क्या बात है। खवातीन के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते, माइंड ना कीजिएगा, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। उम्मीद है आपने माइंड नहीं किया होगा। खवातीन हजरात, आज हमारे शो पे नायाब फिल्म की कास्ट आई हुई है। नायाब एक ऐसी फिल्म है जो कि वेमेन क्रिकेट के ऊपर बेस्ड है, तो हमने कहा क्यों ना आज हम अपनी पूरी कास्ट से ये देखें कि वो कितने पानी में हैं। वाकई देखना चाहिए कौन कितने पानी में है, क्योंकि आजकल आपको पता है मीठा पानी बड़ी तेजी से कम हो रहा है। बोंगी नहीं नहीं इसला। अच्छा इसला इसला। हर एक के पास 6 बॉल्स कराने का मार्जिन होगा, जितनी आपने विकटें ली उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सबसे अच्छा बॉलर मैं हूं, तो क्यों ना मैं अपने आप से शुरुआत। तो जी नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कि अहमद अली बट बॉलिंग करवाने के लिए तैयार हैं, बड़े पुरजोश हैं, और ये पहली बॉल निशान ना चूक गया। नाते तो मेरे ख्याल है आप 3 करा लें, 3 आखिर में करा लें। नहीं नहीं ये बट जी मेरा ख्याल है विकेट को नहीं लगेगी, पानी के साथ खा लीजिए। फिर मिस हो गई लगता है, आज बट जी ने खाना नहीं खाया। मुझे लगता है कॉफी के बाद खाना भी होना चाहिए था। अहमद नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है उस जुमले के बाद निशाना लगना नहीं चाहिए था, घर भी जाना है। तालियां, 1 पॉइंट। हाय भाई जान, एक आए जनरल। मैंने 6 बॉल्स कराई और उसके अंदर मैं 1 विकेट हासिल की, और वो भी कॉफ़ी डेट मुझे मिली है,
जो कॉफी मुझे ही खरीदनी पड़ेगी। बारी आती है मोहम्मद फवाद खान साहब की। सर सिक्स बॉल्स हैं आपके पास। फवाद भाई की बारी आ चुकी है। नाज़रीन ये मैं बताता चलूं कि ठहरिए फवाद भाई, बात सुनिए। अक्का हाथ होला जड़ में पीछे लेडीज बैठी हुई है, लेडीज जितनी मोटे शीशे वाली है ना कि इनको घर पता नहीं कैसे नजर आता है, विकेट पता नहीं कैसे नजर आएगी। जी दूसरी बॉल। वेल डन, पता लग गया वहां पे इशू है, पिच अनइवन है, हमने टेंपरिंग की हुई है। एक पॉइंट हासिल कर चुके हैं, थ्री बॉल्स हो गई है, थ्री बॉल्स रिमेनिंग। चार हो गई बॉल्स, चार हो गई हैं, दो रह गई हैं। लास्ट बॉल, रिस्क ले रहे हैं अब यहां पे। एक पॉइंट हासिल किया और फवाद खान साहब ने तीन पॉइंट हासिल किए। बारी आती है हमारे हीरो की, छह बॉल्स आपके पास है, देखते हैं आप कितनी विकेट हासिल करते हैं। जी इतना खूबसूरत लड़का, इतना खूबसूरत लड़का ते निशाना कख भी नहीं। दो बॉल एक पॉइंट, वेरी गुड जी। तो नाजरीन तीसरी बॉल साबित हो गया डांडी। अच्छा अच्छा एक मिनट, तीन हो गई हैं, तीन में आपने एक आउट किया है। ओके चले, अच्छा ड्रॉ हो चुका है। अगर आपने ये विकेट ले ली तो आप चार पॉइंट। वॉशिंग मशीन मेरी, वॉशिंग मशीन आपकी हुई। रेडी लास्ट बॉल, क्या बात है, दो भाई चार, चार पॉइंट्स, चार पॉइंट। उन्होंने हमारे लिए हाथ हौला, आराम से तीन दे। फवाद साहब ने तीन पॉइंट्स हासिल किए लेकिन हमारे हीरो ने चार पॉइंट्स हासिल किए। अब बारी आती है लीडिंग लेडी यमुना की, जो इसके फिल्म के अंदर भी एक्चुअली बॉलर का उनका कैरेक्टर है, देखते हैं। अब देखते हैं यमुना की बॉलिंग कितनी रंग लेके आएगी। भाईजान आप लोगों की ताली और शोर नहीं रुकना चाहिए। रेडी सुने, बगैर भागे सांस चढ़े मुझे। हम कह रहे हैं यमुना पीछे पीछे लाइन से पीछे, एक दो शुरू से कर लेंगे, मामा होता तीन हो गए हैं भाई जान। देखिए अब ड्रॉ हो सकता है इनका फवाद से, ठीक है, या मेरे से भी। अच्छा अब हिला आ गई याद, ओके ओके देखिए देखिए। नाज़रीन आपने देखा कितनी कंफ्यूज है इस वक्त, लगता है मशीन लगा रही है कपड़े धोने वाली। चार चार भाई जान, ये मैंने कह रहा था ये फेवरेटिज्म पे रोल मिला इसको, मैं बता रहा हूं। चार ये मैच फिक्स है, ये मैच फिक्स है। बैठ के बगैर तो इजी होता है। ये देखो बहुत अच्छे यमुना, जितना अच्छा आप खेली और जितने नारे लगे, यमुना के शो का नाम होना चाहिए मारना यमुना। यमुना के लिए तालियां, लेकिन विनर हमारे हुए उसामा। वक्त होता है माइंड द न्यूज।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि काश इलेक्शन में बल्ला होता। छोटे मियाँ साहब को एक बार बड़े मियाँ साहब से ये बात पूछ लेनी चाहिए थी। असल में वो ये कहना चाहते थे कि काश इलेक्शन में मैं कल्ला होता। वज़ारती सेहत ने जाली ब्यूटी क्रीम्स के खिलाफ एक्शन लेने की परमिशन दे दी। क्या बनेगा लड़कियों का सांवली रंगत तो हमारा कौमी मसला है। एक्सक्यूज मी, ये 3 दिन में चिट्टा करने वाली क्रीम्स मर्द हजरात भी लगाते हैं। खबरदार, आप उसामा के मुंह पे ऐसी बात नहीं कर सकते। हुकूमत तो IMF की इजाजत के बगैर बिजली सस्ती भी नहीं कर सकती। ये लोग क्यों करते हैं ऐसे दावे? ये इसलिए करते हैं ऐसे दावे क्योंकि हम आवाम मान लेते हैं ऐसे दावे। आए PTI उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशानात से परेशान, किसी को बैंगन मिला, किसी को करेला और किसी को घिया कद्दू। जितना गोश्त महंगा हो चुका है ऐसे इंतखाबी निशान ही सूट करते हैं। नहीं तो इलेक्शन में शेर क्या सब्जियां खाएगा? एहसन खान ने कहा है, किसी लड़की के साथ नाम जोड़ने पर मुझे शर्म आती है। माँ सदके जाए एहसन, बुढ़े बारे ख्याल आया तेनु इन चीजा का। अभी जहाँ हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, हाउ टफ वॉज इट? क्योंकि फिजिकल रोल बहुत ज्यादा था और डिमांडिंग था, प्रेपरेशन थी, नेट प्रैक्टिस की, तो कितने अरसे के लिए आपने प्रेप किया था अपने आप को? ये 6 बॉलें कराने के बाद तो मुझे बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन फिर भी यमुना जी, आपकी तारीफ ये है कि आपने पहले काम सीखा, यानी क्रिकेट को पहले सीखा। मैंने 2.5 महीने सीखा, 2.5 महीने मैंने ट्रेनिंग की और हर रोज मुझे ऐसा लगता था कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये कि मेरे कोच ने बहुत समझाया कि आपकी सेल्फ टॉक जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप सब लोग जो है अपने आप से पॉजिटिव बातें किया करें ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। क्या बात है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, माइंड ना कीजिएगा, we'll be right back. Hey, DJ Boy. Hey. Hello everybody. Love you more. DJ Boy. On the floor. 1, 2, 3, 4. DJ Boy Boy, DJ Boy Boy, DJ Boy Boy, DJ Boy Boy, kaliyan de ek sada hunde ne toy, DJ Boy Boy, DJ Boy Boy, bijli da billa to ass sare roye, DJ Boy Boy, DJ Boy Boy, say DJ Boy Boy, odo mama bada ron jadon eho je bacche hoye, DJ Boy Boy, DJ Boy Boy. सारे आके कोई एदा मुंह धोए, डीजे बॉय बॉय, डीजे बॉय बॉय, डीजे बॉय बॉय, डीजे बॉय बॉय, एहो जिहा मुंह धोए ते एहो जिहा वेख के कवे ओए होए, ए जदों जम्मिया एदा मां प्यो लकोए, डीजे बॉय बॉय, डीजे बॉय बॉय, डीजे बॉय बॉय, डीजे बॉय बॉय, मैं जदों जम्मिया मां प्यो लकोए, ए जदों जम्मिया 6-7 होर होए, डीजे बॉय बॉय, डीजे बॉय बॉय, डीजे बॉय बॉय। यहाँ हमारे पास नया फिल्म की कास्ट आई हुई है, आप इनके लिए कोई तोहफा लेके आए, कोई पैगाम लेके आए, क्या लेके आए? सर, आई एम रियली बिग फैन ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर कमिंग द माइंड करना। एंड डीजे मोए मोए आपको पता है बहुत बड़ा डीजे है, बहुत बड़ा रैपर है, आपने अपनी फिल्म में मुझे क्यों नहीं रैप दिया? फिल्म फ्लॉप तो नहीं करवानी ना उन्होंने? कोई रैप लाए आप इनके लिए या वैसे ही आ गए? मैं आपके लिए बहुत कुछ लिख कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, जैसे आपका गाना मैंने लिख लिया है। क्या? ए यमुना 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 यमुना, ए यमुना 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 यमुना, हे यमुना, हे प्यार में करेंगे अब धोखा नहीं तुमना, यमुना 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 यमुना, हे यमुना यमुना, सारे चुप बैठे रहे, चुप क्यों तुमना, यमुना। अब मेरा ख्याल है मुझे आपका जो चांस देना चाहिए ना रैप का। मैं आपको चांस देता हूँ, आप यहाँ से सीधा जाएं, लेफ्ट हो जाएं, दरवाजा खोलें और कार चले जाएं।
ना ना बट साहब ऐसा नहीं कही था, लेफ्ट हो जाए फिर राइट हो जाए, सामने देखेंगे एक ग्राउंड आएगा, ग्राउंड के दरमियान में एक कुत्ता खड़ा हुआ है, उसके पास जाए दो हो जाएंगे। वैसे आप मेरे साथ चले तो तीन हो जाएंगे। भाई मैं डॉग नहीं हूं, मैं वो जानवर हूं जिसपे इलेक्शन में ठप्पे लगेंगे, शेर। ओ एक बारी फिर। शेर नहीं हमें। अच्छा यहो जे बंदे कोल कन्वेंस कोई नहीं होंदी, घर जाण लगा कुत्ते नूं बट्टा मारदा, उह घर तक छड के आंदा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच डीजे। अच्छा जी, ये हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है माइंड द स्पिन। आप तीनों को तीन तीन स्पिन का चांस मिलेगा, मगर जो उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आपको सच सच बताना पड़ेगा या करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कहां से स्टार्ट करें? फवाद आपसे स्टार्ट करते हैं जी। स्पिन योर मोस्ट अनोइंग हैबिट। मैं बहुत भूलक्कड़ हूं। बाकी बादाम खाया करें, वो तो आपकी कटिंग से अंदाजा हो रहा है। नहीं वाकई मतलब चीजें भूल जाते हैं। अच्छा ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है, मुझे कहानियां याद होती हैं और दास्तान याद होती है, मगर दास्तान तो आप बहुत लंबी लंबी पेश करते हैं ऑडियंस के सामने। सोया अच्छा वाजी वाकई फवाद भाई इतना भूलते हैं, जिस चीज को ढूंढ रहे होते हैं ना उसका नाम भी भूल जाते हैं। फिर घर वालों से कह रहे थे मेरा वो नहीं मिल रहा है यार, ऐसे वो कहाँ रख दिया मैंने, घर वाले पूछ रहे होते हैं क्या कहते वो। उसामा आपकी बारी, स्पिन। ओ योर निकनेम पप्पू। ऐसा कोई निकनेम नहीं है वैसे, नहीं पता नहीं क्यों नहीं है, होना चाहिए। गुजरा वाला क्या है, गुजरा ने बच्चे ना ज्यादा तो ज्यादा ना होता है, भोलू किथे वे। अच्छा एक मैंने ड्रामा किया था उसमें मेरा नाम था लड्डू। ओ वो बड़ा मशहूर हुआ था। हाँ। तो अक्सर मुझे लोग मिलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं लड्डू। ये बात ओके जी, यमुना रेडी। Your beauty secret. beauty का राज क्या है? सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, रात में जल्दी सोती हूँ और पॉजिटिव सोचती हूँ ज़्यादा। So that's more like an inner beauty kind of thing. I think ये बहुत खूबसूरत बात की है कि बेटे पॉजिटिव सोचना चाहिए क्योंकि वो वाकई रिफ्लेक्ट होता है। Definitely. अब देखें ना नेगेटिव बंदा। फवाद आपकी बारी। Let's hear your last message that you deleted. Last message मैंने आज ही किया था, time के बारे में confirm करने का, फिर वो पता चल गया था तो delete कर दिया। मैं message नहीं delete करता, मैं पकड़ा जाता। अच्छा जी, उसामा आपकी बारी। Most awkward moment. awkward moment. वो मैं भी एक बताऊंगी। चलो ये वो दुबई वाला तो नहीं था जब शर्ट खोली थी। Sorry, Osama. Don't hate me for this. वो awkward नहीं था। मैं अपने अब्बू के साथ बैठा हुआ था और सामने एक लड़कियों की बस खड़ी हुई थी। तो बार बार मुड़के मुझे देख रही थी। और वो बोल रही थी कुछ और अब्बू मुझे देख रहे थे और मैं शर्मिंदा हो रहा था। अरे छमियां आ गई तो वाली बात है, वो लड़कियां आपस में यही बात कर रही थी, वो खड़ा जिसने उसके बाद किसी एक लड़की ने उसमें से बोल दिया ये आपकी मंगेतर कहाँ है। ओए और मेरे अब्बू मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा मेरी नहीं है ना, तो वो ऑकवर्ड था थोड़ा सा। अब्बू ने कहा मेरे दोस्त ने भी कहा सामा तेरी मंगनी हो गई, तुमने बताया नहीं मुझे। जी यमुना आपका। What do you eat on a cheat day? cheat day. और भाई ये तो मैं गवाऊं, ये कुछ नहीं खाती। नहीं नहीं क्या हो गया, मैं बहुत खाती हूँ, I'm a foodie. लेकिन मुझे पता था कि अहमद सेट पे तो इन्होंने हमें बहुत ज्यादा बन कबाब खिलवाए, बहुत जो है निहारी और अरे मक्खन हांडी, मखनी हांडी और मखनी चिकन मखनी, क्या बात। और अभी मुंह में पानी आ रहे हम दोनों के, खाएंगे। सो जो है ना जेंटलमैन, हम लोग साथ में रिकॉर्ड कर रहे थे और रोज ही चीट डे होता था,
और हुमायूं सईद आते थे अपना डाइट फूड लेके, क्योंकि कहीं कोने में पड़ा होता था और हम सब बैठ के कभी निहारी कभी दाल मखनी चिकन मखनी। तो या मतलब बेसिकली इनका चीट डे ये होता है कि जब ऑफ चीट होती हैं तो जो उस वक्त मिल रहा होता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। यस, वेरी गुड। हमारे ऑडियंस के नन्हे मुन्ने से सवाल हैं। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम यमुना जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इतने ड्रामास किए हैं, आपके नज़दीक आपका पर्सनल फेवरेट ड्रामा कौन सा है? मैंने बहुत जवाब सुनेंगे। बताओ। प्यार के सदके। प्यार के सदके। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। मेरा नाम मलाइका है और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फिल्म का आपका ट्रेलर हम लोगों ने देखा है, ठीक है, उसमें जो आपका टफ सिचुएशन वाला वर्क था वो कौन सा था? फिल्म में थ्रू आउट जो है, जब मैंने क्रिकेट सीखा तो मैंने खुद एक्सप्लोर किया कि बैटिंग में मैं ज़्यादा अच्छी थी लेकिन बॉलिंग का ज़्यादा मेरा उसमें था, फिल्म में एक पार्ट, तो उसके लिए मेरी बहुत जान जाती थी और मेरे ट्रेनर कहते थे कि स्प्रिंट्स लगाने यानी कि तेज़ भागना है। वाह, तेज़ भागना है। सो वो मुझे बहुत टफ लगता था लेकिन यस हाँ, हो गया। नहीं नहीं, वो वाकई आपने कितनी प्रैक्टिस की अभी हमने देख ही लिया था। जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम असद, उसामा भाई के आलम। ठीक है। अच्छा उसामा भाई, माशाल्लाह आपने बड़ी बॉडी शॉडी बनाई है, बड़ी हेयर स्टाइलिंग वगैरह, ये वो क्या बात है आपकी, तो कोई हमें भी टिप्स बताया करें, कोई बॉडी शॉडी हम भी बना लें। अच्छा अच्छा जी, बॉडी की टिप्स। सुबह उठ के यार 3 किलोमीटर भाग लिया करें बस, लोहरी हैं आपसे नहीं होगा। मेरा नाम शाज़ेब है और मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जो आपने प्ले किया था, क्या बात है। आएगी माइंड द रील। मैं माइंड करता हूँ कि हमारे माशरे में उमूमन सवाल करने की आज़ादी बहुत कम है, हर चीज़ के बारे में हमें खुल के सवाल करने की आज़ादी होनी चाहिए, ये ज़रा लोग माइंड कर जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। क्या? वेरी गुड, अच्छा, एक्सीलेंट। मैं माइंड करता हूं कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बगैर कुछ सोचे समझे किसी के बारे में भी कोई भी बात कह दी जाती है, अपनी ओपिनियन बना दी जाती है। मुझे लगता है कि हमें इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि हम किसी को सुने और हर बंदे को अपनी ज़िंदगी उसके हिसाब से गुजारने की पूरी एक आज़ादी होनी चाहिए। थैंक यू यमुना, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। अच्छा, मैं ये माइंड करती हूँ कि लोग बहुत जल्दी माइंड कर जाते हैं लोगों की सिचुएशंस और उनके हालात को समझे बगैर, तो माइंड नहीं करना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए चीज़ों को, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि हम किसी बात पे नाराज़गी करें। सो थैंक यू। हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए कि माइंड ना करना का एक मकसद है कि हम लोग उन चीज़ों पर रोशनी डालें विद द हेल्प ऑफ आर सेलिब्रिटीज़ जो कि वाकई हम माइंड करते हैं। हमारे दिल छोटे हो चुके हुए हैं, हमारी सोच छोटी हो चुकी है, अल्लाह करे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपनी सोच भी बड़ी करें और अपने दिल भी बड़े करें और मुस्कराना सीखें। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, माइंड ना कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।